मुअज्जज़ सामईने किराम, जुमला शुरका, जुमला हाजरीन, वहाबियों, नजदियों, तैमियों, कैमियों और यजीदियों और भोपालियों और गैर मुकल्लिदों की तरफ से एक बात बड़ी जोरों शोर से कही जाती है और नेट की दुनिया में उस बात की पजीराई की जाती है। अपने इस चीजों में और नेट की दुनिया में पोस्टों के जरिए से वहाबी वगैरह ये बात कहते हैं कि मुश्किल कुशा सिर्फ वो होता है जिसको कभी भी कोई मुश्किल पेश ना आई हो। मुश्किल कुशा सिर्फ वो होता है जिसको कभी भी कोई मुश्किल ना पेश आई हो। इस पे वहाबियों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये किस हदीस का तर्जमा है या किस आयत का तर्जमा है। आपने ये बात मुश्किल कुशा की डिफिनेशन किस हदीस के तर्जमा से की है या किस आयत के तर्जमा से की है, उस आयत का नाम बताओ, उस हदीस का रिफरेंस दो। दूसरी बात यह कही जाती है कि हाजत रवा सिर्फ वो होता है जिसको कभी कोई हाजत ना पेश आई हो। ये हाजत रवा की डिफिनेशन कौन सी हदीस का तर्जमा है, कौन सी आयत का तर्जमा है, कुरान और हदीस से लेकर के आओ। तीसरी बात यह कही जाती है कि दाता सिर्फ वो होता है जिसने कभी किसी से कुछ ना मांगा हो। ये किस हदीस का तर्जमा है, किस आयत का तर्जमा है, वो आयत बताओ, वो हदीस बताओ। चौथी बात ये